गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है नागपंचमी, तो आप सबको हैप्पी नागपंचमी। आप लोग भी दूध लावा जो चढ़ाते हैं चढ़ा चुके हैं, हम लोग का घर में तो हो गया है सब। लेकिन आज इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, महादेव और नाग देवता भी नहीं सोच रहे कि हम लोग को कोई दूध और चावल और लावा चढ़ाए। तो आप लोग देख सकते हैं, सुबह से जैसे हम लोग सो के उठे वैसे ऐसे बारिश हो रही है। अभी तक बारिश हो रही है, पूरा देख सकते हैं आप लोग। छत पे आई हूँ मैं, पूरा पानी इकट्ठा हो गया है। और हमारा एक छोटा सा बेचारा कुत्ता जो आप लोग को अभी वीडियो में हम दिखाए थे, वो पता नहीं क्या उसको हो गया है, जैसे पागल जैसे हो गया है। एक बार उसको ऐसा हुआ था, एक कुत्ती आई थी पागल रात को, उससे शायद मतलब दबोच रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं उससे हुआ। अब बेचारे पता नहीं क्या हो गया है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पता होगा कोई दवा तो उस बेचारे को खिला दे, वैसे भी कुछ खा नहीं रहा है। अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताए थे आप सबको, तभी से नहीं कुछ खा रहा है, थोड़ा बहुत बस खा रहा था, अब तो एकदम छोड़ दिया है। अब जैसे मुँह बा गोल गोल ऐसे घूमे जा रहा है, एकदम टिड्डी जैसा हो गया है। तो आप लोग बताइएगा बेचारे को क्या हो गया। इतना क्यूट था, बहुत अच्छा था, हमारे घर नहीं रखा गया था, मतलब वो जो कुत्ती है वो बच्चा दी थी, तो एक वही हमारे घर था तो बच गया। वैसे स्पेशली उसको कहीं से लाए नहीं थे, कुत्ती का बच्चा था तो उससे रख लिए हो, को खा पी के बड़ा हो जाएगा तो क्या हुआ, बेचारा किसी का बच्चा ही तो है। लेकिन यही होता है कि कोई भी कुत्ता हमारे घर आ जाए, यही हाल होता है, क्या बताएं। और एक जो जम्मी आए बड़ा वाला काला वाला दिखाए थे, वैसे तो वो उसको नहीं जीने दे रहा है। क्यों नहीं जीने दे रहा है बोलते नहीं, जो भाग के आते हैं तो उनका ज़्यादा घमंड और मान रहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को घमंड दिखाते हैं। और जिसका घर ही रहता है वो बेचारा नम होके रहता है तो वो भाग। तो आप लोग को बता दें, वो किसी और के घर था तो उनके घर से भाग के आया हमारे घर, तो खा पी के भैया पड़ा था, तो हुआ चलो खा पी के पड़ा है तो क्या जा रहा है, अपना क्या ले रहा है, कितना भी कुछ बोले लेकिन वो जाता ही नहीं किसी के घर, यहीं पड़ा रहता तो हुआ चलो जाने दो। लेकिन कोई और डॉग आ जाता है हमारे घर तो उसे वो जीने नहीं दे रहा है। वैसे तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, जैसे खाना पीना डालते हैं उसको अलग डालेंगे, उसको अलग डालेंगे, लेकिन खाने के बाद वो कब दबोचेगा उसका कोई मूड ही नहीं रहता, ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन हमारे न्यू बता रहे हैं, रात को एक कुत्ती पागल कुत्ती आई थी, वो भी उससे काट रही थी, तो दोनों तीनों दो कुतिया और एक कुत्ते उससे मतलब बगल करने में लगे थे, तो पता नहीं क्या बेचारे को हो गया। आज हमें सुबह से बहुत टेंशन है, क्योंकि जो छोटा था ना तो बहुत क्यूट था, हम उसे बहुत खिलाए थे, बहुत ही अभी भी बहुत क्यूट है, मतलब बस पतला टिड्डी सा हो गया है, उसकी ब्राइटी और दोनों काने से खड़े हो गए हैं, पूछ ये हाथ की अभी से है, अगर बड़ा होता ना तो बहुत ही अच्छा होता, भगवान करे वो ठीक हो जाए। लेकिन सब लोग बोलते हैं वो पागल हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ठीक कर दो, महादेव आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रे करना हमारा डॉग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देख के बताइए उसे क्या हुआ है। आज दिन भर की बारिश हो कर दी है सबको परेशान, किच 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 किच, सामान लग जैसे सामान लगा था तो पता ही नहीं चल रहा था, जैसे आधा सामान बीता नहीं वैसे ऐसे किच 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 हो रहा है। सुबह से ही, सुबह से क्या शाम से ही बारिश हो रही है, बोलते नहीं अम्मा मेरी बोल रही थी सास के पानी, सुबेरे का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता, तो वही हाल हुआ है, शाम का बारिश ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पूरा दिन किच 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 लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे छत पे, और दिखा रहे हैं इधर से खेत में भी हरियाली तो हो रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली देख के, लेकिन दिन भर किच 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 देख सकते हैं, अभी खुल गया है हल्का फुल्का, फिर भी बारिश आ ही रही है। और हमारे घर धान लगने की हो गई है तैयारी, पूरा खेत में पानी हो गया है, धान को उखाड़ रहे हैं। आज है नागपंचमी तो बुलाए थे लगाने वाली को, आज नहीं आई है, कल आने वाली हैं, तो आप लोग को कल वीडियो बनाएंगे, मेरे घर धान लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं बारिश में हमारे भैंसिया का मौज ही मौज है, और यहाँ पे देख सकते हैं भैंसिया हमारी कितनी आनंद ले रही है बारिश की। इधर पानी इतना इकट्ठा हुआ है, घर जाने के लिए इतना भारी पड़ता है, ईंट रखे हैं, पानी चारों तरफ जमा हो गया है, बुरा देख सकते हैं। इस तरह हम लोग जाते हैं पानी पानी से, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जाने दो जो जितना ही बोलो उतना ही कम है, लोग इतना परेशान करते हैं, मिट्टी डालने के लिए आई है पर डालने नहीं दे रहे हैं। हम लोग इसी पानी में से ऐसे ईंट रख के नए घर से पुराने घर आना जाना लगा रहता है बारिश में। तो हम आपको अपना डॉग दिखाने के लिए जा रही हूँ, इतना परिश्रम कर रही हूँ कहीं फिसल ना जाए, अगर फिसल गए तो भैया पूरा ख़राब हो जाऊँगी,
पानी में छपाक छपाक गिर जाऊंगी। वैसे तो बारिश अच्छी लगती है, पर नहा ली हूँ ना, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हैं। तुरंत अच्छा मुड़ी उठावा था है। का भाई का है बतोरे अपने से कुत्ता ना ऐसा है, जब राखी इतना बड़ा भयन हो चला गए इन्हू चला जाता है का भाई मुहा मुहा जैसे जना बाय बाय हाफ है था। यहाँ कुछ खाता ना है कि इनके लिए एक दवाई वाई मंगा खियावा, कुछ ना खाते तीन दो तीन दिन से। वही पहले हमारे वथा पोटके में बैठे थे ना नवाई के यहाँ बैठे थे, इनकरे डर कुमारी बताओ कौरा दे देना तो खात ना है इनकरे डर कुमारी, इतना हरामी बाटे है बताओ। राखी खाई गया है ना, अभी इन्हू खा जाएगी, इतना लंबा रहा है इतना नीक हो। यार ये करे मुहा मुहा बाय क्या अजीब है ये था मोमेंट कर रहा था। अरे बाप रे लागत तो हुगा का आया यार एकदम हमू ना चक्कर आवे था बदल दूंगा। ए खुदा शेर बहन देखा था यार वो खड़ा भाई इसे इसे गोल गोल घूमे लग जाना ओकर चक्कर आवे था बेचारी को। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं इस बेचारे को बड़ी दया आ रही है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ देर अवधि बोल रही है तो कुछ देर खड़ी हिंदी बोल रही, तो ऐसा सिचुएशन होता है जो हम हर जगह खड़ी हिंदी नहीं बोल सकते हैं, और अपने कुछ सब्सक्राइबर के लिए हम खड़ी हिंदी बोलते हैं जो कि सब लोग नहीं अवधि समझ पाते हैं। यहाँ से कानपुर नागपुर और सब जगह हैं सब्सक्राइबर्स, वो लोग सारी बातें अवधि नहीं समझ पाते, तो जैसे पब्लिक लोग रहते हैं तो वहाँ खड़ी हिंदी बोलना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज बन गया है चना, जो नागपंचमी के दिन जरूरी होता है, तो वो आकांक्षा लेके जा रही है नाश्ता। यहाँ बेचारा पीछे पीछे उसके जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं पागल हो गए पागल, लेकिन ऐसा अगर पागल हुआ होता तो उसे कैसे पता चलता कि इसके पीछे पीछे जाना है। हमें थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो गया है, तो इसे परेशान ना करें, ठीक हो जाएगा बेचारा। उकरे जना चक्कर ऐसे आवत है, देखा इनका देखा डेरा देखा देखा इधर से लखा था इनका डेरा था उधर मुड़ जाता है। तो गाइज आप बताइए अब इस कुत्ते को क्या किया जाए, आप लोग ज़रूर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप सबके पास कोई दवा होंगी, अगर कोई दवा आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए इस कुत्ते के साथ क्या किया जाए। वैसे ज़्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो चलो यहीं पे वीडियो दी एंड कर रहे हैं। तो बाय बाय, आप सब अपने ख्याल रखना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।